अस्सलाम वालेकुम। तो बख़ैर, फजर का वक्त ख़त्म हो गया, तलू आफ्ताब का टाइम, और आपको एक दफ़ा फिर लाहौर रेलवे स्टेशन से खुश आमदीद पाक रेल जंक्शन की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफिया से होंगे। इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग में एंटर हो चुका हूँ, और ये आप बिल्डिंग के अंदरूनी मनाजिर देख सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाया गया था। और ये बिलाल, हेलो बिलाल, प्लेटफॉर्म नंबर 4 फरीद एक्सप्रेस से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बिलाल, इसको कसूर से कितने बोगी लगनी? कसूर से नहीं लगी। फिशिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलाल, फिशिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलाल। और वो आगे अपनी वालदा को कैरी करके लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जजाए खैर दे इसके बदले में उनको। इसको कौन सा जी जी 20 मिलता है ना? कितनी बोगी होती है इसकी टोटल? नहीं, टोटल 66,000 मिला के। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पहुँचे इंजन के पास, ऑल दो के इंजन पहले ही अटैच हो चुका था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 ऑफ लाहौर रेलवे स्टेशन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ एशिया, बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन दे वर देयर इन सब कॉन्टिनेंट। और ये रहा जी यू 20 4556। What a beautiful sound! इंजन आपको दिखा दिया, अब आपको वो बोगी दिखाते हैं जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एसी स्टैंडर्ड की हम लोगों ने टिकट्स ली थी, बोगी नंबर 3 एसी स्टैंडर्ड, लो एसी और एसी स्टैंडर्ड इज द सेम थिंग। लेट्स गेट इन और देखें हम लोग एसी स्टैंडर्ड कैसा है। फ्रीज एक्सप्रेस का ये मुलाजमीन लोग सो रहे हैं इस वक्त, साफ सुथरी बोगी है। विसल हो गया और इस वक्त टाइम हो गया है डिपार्चर का फ्रीज एक्सप्रेस का, फ्रॉम लाहौर जंक्शन टूअर्ड्स कराची, और हम लोग उतरेंगे इस से लोधराम का टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद फिर बहावलपुर में रात गुजारेंगे, और फिर हम लोग जहानिया जाएंगे खतीजा से मिलने। बहुत ज़्यादा शोर है, हमारी बोगी के बिल्कुल साथ पावर वन अटैच थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये वो बिल्डिंग है जिसको अंग्रेजों ने बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ लोकल्स, और इंजीनियरिंग का क्रेडिट तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दूंगा,
जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया हुआ था, दे आर कैप्चर, इट वॉज ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये वो टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूरज गरूब नहीं होता था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गरूब किया कायद अजम ने कि दोबारा कभी उभर के वापस नहीं आया. ये लेफ्ट साइड पे काफ़ी अरसे से ये एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, दो साल तो इसको हो गए हैं, दो ढाई साल हो गए हैं. एक्सक्यूज़ मी, लेकिन अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और देखें कब तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है. अच्छा, फ्रीज एक्सप्रेस के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि एक पावर ट्रेन है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं इसके. अपना सफ़र लाहौर जंक्शन से सुबह 6 बजे शुरू करती है, और कराची इसका अराइवल सुबह 6 बजे होता है. 24 घंटे का सफ़र, बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं. पहला स्टॉप वॉल्टन, और उसके बाद कराची तक शायद ही कोई ऐसा स्टॉप हो जो कि मिस करती हो. और इसकी जो रूट है वो भी थोड़ा डिफरेंट है. रायवन जंक्शन से ये लेफ्ट साइड पर हो जाती है टूवर्ड्स कसूर, कसूर से फिर ये पाक पतल वाली ट्रैक की तरफ हो जाती है, और फिर लोधा जंक्शन में जाकर ये नॉर्मल रेगुलर ट्रैक पर आ जाती है. मेरा ज़ाती ख्याल है ये पाक पतन रूट पर एक ट्रेन कम है. यहाँ पे दो ट्रेन्स कम से कम चलनी चाहिए, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त. ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है कि रेलवे को वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है. तो पर जो ब्रिज आप देख रहे थे वो ऑरेंज मेट्रो का ब्रिज था. ये ब्रिज ऑरेंज मेट्रो, लेकिन अभी तक अब इसका टाइम नहीं हुआ. 7 बजे इसका टाइम जो है वो शुरू होता है. ये रहे स्पाइडरमैन. अच्छा, सफ़र में बताता चलूँ, बिलाल मेरे साथ हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ उनका जो है चैनल है, आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और इंशाल्लाह जो अगला मेरा सफ़र है, बिलाल एक्सप्रेस और अकबर बुकट्री ट्रेन दोबारा से स्टार्ट होने लगी हैं. जैसे ही वो ट्रेन रिज्यूम होंगी, मैं बिलाल के साथ टूवर्ड्स कोयटा और फ्रॉम कोयटा टू कराची ऑन बिलाल मेल ट्रेवल करूँगा, कराची से लाहौर. और बिलाल ही मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह मेरी एनुअल लीव में. सुबह सुबह का वक्त, तुलू आफ्ताब का वक्त, सुबह सुबह जागना सुन्नत रसूल है, और सुबह सुबह जागने से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत डालता है. और ये रहा लेफ्ट साइड पे लोकोशेड. मेरा ख्याल है लोकोशेड की मैं वीडियो आप लोगों के इस खिदमत में पिछले साल पेश कर चुका हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल साउंड ऑफ ट्रैक. एक्सीडेंटल बॉगीज. ऐसे लगाते हैं ब्रेक्स.
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड पकड़ रही है फ्रीज एक्सप्रेस। लाहौर इज लश ग्रीन, लाहौर इज लव। फ्रीज एक्सप्रेस एक दफ़ा अपनी स्पीड दोबारा पिक कर रही है और थोड़ी देर में हम लोग लाहौर कैंट को क्रॉस करेंगे, लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन को। चलें दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ के मनाजर देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो दूसरी तरफ भी लाहौर ही है। एक घड़ी शाह के पुल को हम लोगों ने क्रॉस की है और अब हम लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। ये रहा लाहौर कैंट का रेलवे स्टेशन, इसके बारे में बात करना मना है।
अच्छा बिलाल का जो चैनल है पाकिस्तान ट्रेन्स के नाम से है, मेरा हाल तो मैंने पाकिस्तान रेलवे पहले बोल दी है, लेकिन बिलाल का चैनल पाकिस्तान ट्रेन्स के नाम से है, पाकिस्तान ट्रेन्स। ये था मेरा फरीज एक्सप्रेस का वीलॉग का पहला पार्ट। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।